हेलो दोस्तों, गुड्डू गोरिल्ला यूट्यूब चैनल में सभी दोस्तों का स्वागत है, घर मकदम है। दोस्तों जो आप देख रहे होंगे, ये जो छोटा सा पोखरा है दोस्तों, ये कोई मामूली पोखरा नहीं था। जब कुआं की कमी थी और चापाकल नल वगैरह नहीं था, तो इस पोखरा को लोग अपना कपड़ा भींचने में और नहाने धोने में उपयोग किया जाता था दोस्तों। अब थोड़ा शहरीकरण हो गया है, देख सकते हैं आप, एक पूरा खेत में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है। घर उर बना रहे हैं लोग, पूरा खेत उत में बिक रहा है, क्योंकि राजधानी बनने के बहुत तेज़ी से भीड़ भाड़ बढ़ा है दोस्तों, और लोगों का जीवन यापन में भी कुछ स्तर बढ़ा है। तो अब पोखरा उखरा का जो है उपयोग लोग कम कर दिए हैं, जिसके कारण से आपको कचरा उचरा भी दिख रहा होगा। नहीं तो ये इस पोखरा का बहुत ज़्यादा उपयोग होता था दोस्तों गांव देहात में। देखिए, आप देख सकते हैं, गांव देहात में लोग इसका उपयोग करते थे और अपना जो पानी की कमी होता था घर में, जिसके कारण से उनको पोखरा का उपयोग करना पड़ता था दोस्तों, जिसमें बरसाती पानी जमा होता था और वो फिर बरसात तक रहता था। लेकिन अभी उसको इसका उपयोग कम हो गया है, और देख सकते हैं घास फूस हो गया है पूरा। इसमें पत्थर भी रहता था जिससे लोग फींचते थे कपड़ा उपड़ा। देखिए, इसका मेड़ को भी कोड़ उड़ दिया गया है। देखिए, ये मेड़ था और ये बहुत ऊंचाई में था, ऊंचा था दोस्तों, लेकिन अब नीचा हो गया है। देखिए, पोखरा उसको बोलते हैं दोस्तों, एक जो तालाब का छोटा रूप होता है दोस्तों, पोखरा तालाब से छोटा रहता है, जिसे पानी लोग देहात गांव देहात में जमा करते थे और अपना काम में उपयोग लाते थे दोस्तों। तो देखिए, ये पोखरा है। दिखाने का मेन कारण यही है कि पहले लोग जब नल उल का उपयोग नहीं होता था, नल उल नहीं था, तो लोग इसी से अपना काम चलाते थे। और देखिए किनारे, ये जो है खेत उत है, बकरी उकरी चर रही है, देख सकते हैं आप लोग। देखिए, तो थैंक यू दोस्तों। सिर्फ दिखाने का मकसद ये था कि पहले देहात में लोग कैसा अपना कैसे नहाने धोने के लिए और कपड़ा वपड़ा खींचने के लिए कौन सा साधन का उपयोग करते थे, बस वही दिखाने का मेन मकसद था दोस्तों। और ये जो गड्ढानुमा तालाब है, उसको पोखरा बोला जाता था, और अभी पोखरा है लेकिन इसका उपयोग अभी बहुत कम होता है, कुछ बहुत पटवन में होता है। लेकिन अभी ये जो खेत देख रहे हैं, इसमें पानी उनी है, गेहूँ का बुआई नहीं हुआ है, तो अभी इसका पानी है, इसको अभी जानवरों के लिए पीने के लिए उपयोग हो रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग गुड्डू गोरिल्ला यूट्यूब चैनल में बने रहिए, देखते रहिए गुड्डू गोरिल्ला। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।